हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? तो मैं लंच का तैयारी कर रही थी तो सोचा चलो ब्लॉग चालू करते। आज मैं खाने में बना रही हूँ करी चावल। तो चावल मेरा बन चुका है तो मैं करी नहीं बनाई हूँ, तो मैं करी आप सभी के साथ भी शेयर करूँगी। 10 मिनट में हम कैसे करी चावल बनाते हैं वो मैं दिखाऊँगी कि फक्त 10 मिनट में हमारा करी तैयार हो जाएगा बन के। तो आप सभी को दिखाती हूँ करी चावल कैसा बनता है। करी का तैयारी कर रही हूँ। तो ये है धनिया, प्याज, लहसुन, जीरा, मिर्च का, और ये सब को मैं पेस्ट बना लूँगी। और तेज़पत्ता और सूखी मिर्च ये 5 फोरना का मैं फ़ौरन में डालूँगी तड़का लगाने के टाइम। और मैं यहाँ पेस्ट ये घोल तैयार कर ली बेसन का। इसमें सिर्फ पानी ही से घोल बनाई हूँ और नमक वगैरह कुछ नहीं, नमक नहीं, हल्दी नहीं, कुछ नहीं डाली हूँ। सिर्फ पानी के साथ ये घोल तैयार करी हूँ बेसन का। और मैं यहाँ दही को भी मिक्स कर ली, पहले से मिक्स करके रख दी मैं दही को भी। और जो मैं बड़ी डालूंगी मैं पानी भी उबाल ली, तो इसमें मैं बड़ी निकालते और इसमें मैं डालूंगी। और कढ़ाई भी चढ़ा ली मैं, इसमें डाल दूंगी मैं तेल। ये तेल डालूंगी आज।
ये जो पानी गरम करी थी मैं उसमें डालूंगी। पूरी तरह से सारा बॉडी मेरा हो जाएगा। इसी तरह से सारा घोल को मैं बना लूंगी। पहले जो डाली थी मैं वो फूक चुका है। बड़ी मैंने छानने के बाद बच्चे लोग के लिए ये गोभी भी बना दे रही हूँ, क्योंकि पसंद होता है उन दोनों को। हर रोज नहीं देती मैं बना के, ये सब खाना अच्छा नहीं होता है, पर आज संडे है। और ये पापड़ घर का है, जो घर में बनाई थी वो ये है। अब ये टूट गया है, इसका शेप पूरा टूट गया है। अभी मैं इसका घोल तैयार करूंगी मसाले का, जो बेसन है इसमें लगा हुआ बेसन का घोल, उसी में मैं ये पेस्ट किया हुआ मसाला डालूंगी। ये हल्दी, नमक और ये गरम मसाला है। ये भी डाल दूंगी थोड़ी सी। फिर मैं इसका घोल तैयार करूंगी। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये घोला हुआ मसाला दही में।
इसमें जो इसमें मैं सब डाल दी हूँ। और इसके ऊपर मैं रख दी थी, मैं इसमें डाल दूंगी ये। इस तरह से पानी में डालते हैं बड़ी को तो कितनी तरह से फूक जाते हैं देख सकते हैं आप। और इसको मैं 10 मिनट पका लूँगी और फिर उसके बाद मैं तड़का लगाऊँगी इसको करी को। बहुत आसान और बहुत टेस्टी लगता है खाने में और बनाने में भी बहुत आसानी तरह से बन भी जाते। करी मेरा अभी पक गए हैं, अब इसमें लगाऊंगी इसका तड़का। अब करी मेरा बन के तैयार है, देख सकते हैं कितने अच्छे इसका कलर आया है। और कितने पूरी तरह से पकाए बच्चे लोग मेरे स्कूल से आ गए और उनको मैं खाना खिलाई, खाना खिला के मैं आराम करने लगाई। और आराम करने के बाद मैं उन लोगों को लेके गई दरवाजे पे और दरवाजे के पास उन लोगों को खिलाने लगी, क्योंकि खेलना बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। इसी वजह से मेरे बच्चे यहाँ इंजॉय कर रहे हैं, मैं उसका शूट कर रही हूँ। तो मेरे दोनों बच्चे हैं, दोनों खेल रही है, दोनों भाई बहन मिलके खेल रही है और बच्चे के साथ मैं भी एंजॉय कर रही हूँ। दोनों खेल रहे जो चांदी छिटा लाइट दई, छिटा लाइट दई झाड़ के ले आजी। अभी टाइम हुआ है 5:20 और मेरे बच्चे लोग चलो खेल के एक मिनट पे फिनिश करो। तो मैं अभी इन लोगों को दूध पिला रही हूँ क्योंकि दोनों बोले थे मम्मी भूख लगी है, तो हम लोग चाय बनाए तो बच्चे लोग के लिए भी दूध बना के दी, दूध बॉर्नविटा। ये दोनों एंजॉय कर रहे दूध। और
दूध पीने के बाद इधर आ गई गुंजन। गुंजन डांस कर रही है अपने फेवरेट गानों पे, उसको ये गाना बहुत पसंद है, मैया यशोदा बोल के गाना है, ये गाने पे बहुत इंजॉय करती है। Yeah.